आपका आज का टॉपिक है मोसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, हम इसको क्यों बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट, हम इसको क्या बोलते हैं इंसुलेटेड गेट सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं, हम क्या बताते हैं मोसफेट में गेट और चैनल के बीच में हम क्या बनाते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक बहुत पतली परत बनाते हैं जो क्या करती है आपकी गेट और चैनल के बीच में इंसुलेशन का कार्य करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंसुलेटेड गेट सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं हमारे, डिप्लीशन टाइप और एनहांसमेंट टाइप। पहले हम क्या देखते हैं एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट, ये भी कितने पर टाइप के होंगे, दो टाइप के, एन चैनल और पी चैनल। पहले कौन सा देख रहे हैं हम, पी चैनल। पी चैनल के लिए हमने जब बनाया क्या किया है कि हमें चैनल किसका बनाना है, पी का, तो हमने क्या लिया एन टाइप सब्सट्रेट लिया, एन टाइप सिलिकॉन चालक का एक सब्सट्रेट लिया। उसमें हमने क्या किया, दो लाइटली डोप्ड कम डोप्ड पी क्षेत्र विसरित करे। ठीक है, तो एक पी क्षेत्र से क्या बन गया टर्मिनल आपका सोर्स, एक पी क्षेत्र से ड्रेन। उसके ऊपर हमने क्या किया एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत लगाई। ये जो दो पी क्षेत्र विसरित कर रहे हैं इनके बीच की जो डिप्लीशन लेयर के बीच की दूरी है वो होगी लगभग 20 माइक्रोमीटर। उसके बाद हमने क्या किया है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इसके ऊपर एक परत लगाई है जो क्या करेगी एक इंसुलेशन का कार्य करेगी। इसकी मोटाई कितनी होगी लगभग आपकी 100 एंगस्ट्रोम से 700 एंगस्ट्रोम। तो ये कौन सा है आपका पी चैनल, एन टाइप सब्सट्रेट ले रहे हैं, चैनल किसकी बन रही है पी की बना रहे हैं, तो कौन सा हो गया है आपका ये पी चैनल। उसके बाद हम क्या करते हैं इन दोनों तरफ से हमने क्या है एक तरफ से सोर्स टर्मिनल निकल गया एक तरफ से ड्रेन टर्मिनल निकल गया। इसके बाद इसके ऊपर हम क्या करते हैं एल्युमिनियम की एक परत लगाते हैं जो किसका काम करती है गेट की तरह कार्य करती है। तो हमारे क्या तीन टर्मिनल निकल जाते हैं इससे सोर्स गेट और ड्रेन। ये क्या है आपका इसका सिंबल, ये क्या शो किया है सिंबल ऑफ पी चैनल। हाँ बन गई आधे पार्ट में, दो पेज में है ना आधे पार्ट में कितने नहीं पड़े। अभी ना खोले अभी ना खोले, ये बच्चा अर्जुन है। चल बंद कर बंद कर। इसी तरह हमने शो किया है आपका एन चैनल एफईटी, ये पी टाइप का सब्सट्रेट लिया है, दो एन क्षेत्र विकसित करी है, सोर्स गेट और ड्रेन टर्मिनल निकाल लिए हैं, और इसका ये क्या कैश हो गया हमने सिंबल। अब इसमें क्या होता है एक एल्युमिनियम की लेयर चैनल और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये किसकी तरह बिहेव करता है एक गेट चैनल कैपेसिटर की तरह। इसको क्या बोलते हैं हम गेट चैनल कैपेसिटर। ये दोनों पॉइंट क्या हो गए इसकी ये प्लेट हो गए और ये इंसुलेशन।